हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड और फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस बैंकिंग के रीसेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जैसे IBPS PO में, क्लर्क में, SBI PO और RRB एग्जाम्स में फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो क्लास में। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ऊपर एक फ्रेजल वर्ब दिया है एक्ट आउट, ठीक है। ये दो या तीन शब्दों से जो वर्ड बनते हैं, जैसे जैसे लुक फॉर हुआ, लुक इनटू हुआ, ब्रिंग अबाउट हुआ, ठीक है। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इनको हम फ्रेजल वर्ब्स बोलते हैं। फ्रेजल वर्ब के बारे में एक अलग से मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको फ्रेजल वर्ब क्या होता है और किस तरीके से बनते हैं इसको मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो क्लास में हम इन क्वेश्चन को देखेंगे, जैसे एक्ट आउट, ठीक है। तो इसको किन किन सेंटेंसेस में सही तरीके से, ग्रामेटिकली सही तरीके से यूज़ किया गया है ये आपको बताना है। यहाँ पर ये सेंटेंस दिए हैं, वन से टू सेंटेंस नंबर थर्ड एंड फोर्थ। तो इन पर्टिकुलर सेंटेंसेस में किन एक या दो या तीन या सभी सेंटेंसेस में इस एक्ट आउट के मीनिंग को सही तरीके से लिखा गया है, सही तरीके से यूज़ किया गया है, ये क्वेश्चन में आपको बताना है। इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके भी दे सकते हैं, इसको किसी और तरीके से भी दे सकते हैं। तो यदि आपके बेसिक्स क्लियर हैं और यदि आपको इन फ्रेजल वर्ब्स का मीनिंग पता है, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं अच्छे तरीके से। जैसे एक्ट आउट जो होता है, एक्ट आउट का मतलब है कि मिसबिहेव करना। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे रेड कलर में मैंने बताया एक्ट आउट का क्या मतलब है। एक्सप्रेसिंग इमोशंस भी होता है, लेकिन इसका मेन जो मीनिंग है वो होता है बिहेव बैडली, ठीक है, गलत तरीके से व्यवहार करना। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका, द मेडिशन एक्ट आउट इन ऑन इन्फेक्टेड टिश्यू, द मेडिशन एक्ट आउट ऑन इन्फेक्टेड टिश्यू। तो यहाँ पर इसका एक्ट आउट का मीनिंग गलत है, इस तरीके से एक्ट आउट का यूज़ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर हम बिहेवियर की बात कर रहे हैं और मेडिसिन जो है वो बिहेव नहीं करती है। तो ये सेंटेंस गलत हो गया। दे एक्टेड आउट द स्टोरी ऑन स्टेज, ये सही है, क्योंकि यहाँ पर एक्टेड आउट मतलब उन्होंने स्टोरी को एक्ट आउट किया। तो एक्ट आउट का मतलब किसी सीन को इनेक्ट करना भी होता है, तो यहाँ पर इसका प्रयोग सही हुआ है। Their anger is acted out in the antisocial behavior, ये भी सही है। My computer is acting out, computer behave नहीं करता है, तो इसलिए ये थोड़ा सा गलत है। Second और third इसमें बिल्कुल सही हैं, तो इसका आंसर होगा second और third, second option होगा। और act out का मतलब होता है expressing emotions और behaving badly, ये होता है act out का मतलब, ठीक है। तो इस तरीके से इन questions को करना है, इसके लिए थोड़ा सा आपको phrasal verb को study करना होगा और practice करनी होगी। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं, मैस अराउंड। मैस अराउंड का क्या मतलब, मैस अराउंड का मतलब किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं लेना, इधर उधर घूमते रहना या प्लेफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहना, उसको हम बोलते हैं मैस अराउंड। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैस अराउंड, नॉट बीइंग सीरियस और ट्रीटिंग समवन बैडली, ठीक है, ट्रीटिंग समवन बैडली, किसी व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार करना या उसके साथ सीरियस नहीं होना, इसको हम बोलते हैं मैस अराउंड। I was messing around on the internet because I could not be bothered to do any work. ये सही है, यहाँ पर mess around का मतलब playful activity और non serious activity में involve होना, तो यहाँ पर ये सही है। He has been messed लिखा है, यहाँ पर messing होना चाहिए, तो ये sentence गलत हो गया। She is always messing around me but fails to perform her promises. मतलब वह मुझसे वादा करता है या वादा करती है, लेकिन वो उनको पूरा नहीं कर पाती, जो इस सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर भी ये सही है। इट इज़ ए स्मॉल एरिया इन मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स देयर मैस अराउंड टुगेदर, ये भी सही है, ठीक है। तो मैस अराउंड का मतलब है नॉट बीइंग सीरियस और ट्रीटिंग समवन बैडली, ये इसके दो मतलब हैं। तो उस हिसाब से इसमें सेकेंड को छोड़ के सारे सही हैं, ठीक है। तो ऑल एक्सेप्ट सेकेंड का ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है, तो थर्ड इसमें आंसर आपका हो जाएगा। और ये टारगेट बैच अभी चल रहा है, इसको यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा और यहाँ पर सारा डिटेल लिखा गया है। इस वीडियो को पॉज करके इसका पूरा डिटेल आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सेटल इन। सेटल इन का मतलब होता है किसी जगह पर या किसी वस्तु या व्यक्ति के साथ यूज टू हो जाना, उसकी आदत पड़ जाना, उसको हम बोलते हैं सेटल इन। तो बोथ ऑफ अस हैव टू सेटल इन आवर न्यू मैरिड लाइफ, ये सही है। लेट अस सेटल इन फॉर डिनर, ये सही नहीं है, क्योंकि सेटल इन का मतलब होता है आदत पड़ जाना, तो ये गलत है।
वी वर अपसेट फॉर नॉट विनिंग गोल्ड एंड सेटलिंग इन फॉर सिल्वर. मतलब हम अपसेट थे कि हमने गोल्ड नहीं जीत पाए हम, और हमें सिल्वर से समझौता करना पड़ा. तो यहाँ पर इस सेंस में आप सेटल फॉर बोल सकते हैं, सेटल इन फॉर नहीं सेटल फॉर, तो ये भी गलत हो गया. इट टुक हिम ए व्हाइल टू सेटल इन जापान. जापान में उसको सेटल होने में, वहाँ के कल्चर के साथ यूज टू होने में उसको टाइम लगा. तो इसमें आपका फर्स्ट सही है और फोर्थ सही है. ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ इसमें सही हैं, ये सही नहीं है इसमें. तो इसमें आंसर होगा आपका फर्स्ट, फर्स्ट एंड फोर्थ. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. लिव अप टू, लिव अप टू का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं लिव अप टू एक्सपेक्टेशन, किसी की उम्मीदों पर खरा उतरना, उसको हम बोलते हैं लिव अप टू. द कंसर्ट डिड नॉट लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन. सही है ये सेंटेंस, कंसर्ट डिड नॉट लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन सही है. शी फाउंड इट हार्ड लिविंग अप टू हिज हाई आइडियल, ये भी सही है. आई ट्राई टू लिव अप टू द हाई स्टैंडर्ड ऑफ द स्कूल, ये भी सही है. शी इज लिविंग अप टू द स्टैंडर्ड ऑफ हर इन लॉज, ये भी सही है. ये चारों सेंटेंस में लिव अप टू का प्रयोग सही हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम बोलेंगे फाइव, ऑल आर करेक्ट. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. हेड ऑफ के कई मीनिंग होते हैं. हेड ऑफ, देखिए यहाँ पर हेड ऑफ का मतलब किसी से आगे निकलना, किसी चीज़ को रोकना, जैसे टू हेड ऑफ द स्टैम्पीड, भगदड़ को रोकना. टू हेड ऑफ टू स्कूल मतलब स्कूल में जाना या कहीं पर जाना. तो इसके अलावा भी इसके काफ़ी सारे सेंसेस हैं हेड ऑफ के, देख लेते हैं. यहाँ पर लिफ्ट योर हेड ऑफ द फ्लोर, मतलब अपने हेड को फ्लोर से थोड़ा सा दूर उठाओ, तो इस सेंस में सही है, यहाँ पर ये गलत नहीं है. इफ़ यू से दैट अगेन आई विल नॉक योर हेड ऑफ, नॉक योर हेड ऑफ मतलब तेजी से मारना, तो ये भी सही है. यहाँ पर आई एम हेडिंग ऑफ टू होना चाहिए इसमें, हेडिंग ऑफ टू हाउस, ये गलत हो गया. आई लाफ्ड माई हेड ऑफ, आई लाफ्ड माई हेड ऑफ मतलब बहुत खिलखिला के हंसना. तो इसमें फर्स्ट आपका सही है, आपका सेकेंड इसमें सही है, और फोर्थ इसमें सही है. केवल थर्ड में इसका यूज सही नहीं हुआ है. तो यहाँ पर ऑप्शन है ऑल एक्सेप्ट थर्ड, ये ऑप्शन है इसमें ऑल एक्सेप्ट थर्ड. ठीक है, तो फोर इसमें आपका आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर एम एट, एम एट का मतलब किसी चीज को टारगेट करना. द मैगजीन इज एमिंग एट टीनेजर्स, मैगजीन जो है वो टीनेजर्स को टारगेट करती है, ये सही है. दे आर एमिंग एट रिड्यूसिंग कॉस्ट बाय 10%, उनका जो टारगेट है वो कॉस्ट को 10% कम करना है, ये सही है. यू शुड नॉट एम अप नहीं होता, ये गलत हो गया. द टोटल कॉस्ट एम्ड अप, नहीं नहीं ये भी गलत है. इसमें केवल फर्स्ट और सेकंड सही हैं, आपका आंसर होगा इसमें फोर. क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं. पिकअप, पिकअप के कई मतलब हैं. पिकअप का मतलब इंप्रूव करना भी होता है, जैसे हम किसी लैंग्वेज को पिकअप करते हैं. कलेक्ट करना भी होता है, लर्न करना भी होता है, रिसीव करना भी होता है पिकअप का. तो सेल्स पिक्ड अप अ बिट ड्यूरिंग क्रिसमस, क्रिसमस के दौरान सेल पिकअप कर गई, तो ये सही है. She picked up the bag from the railway station. ये भी सही है. Can you pick up some friends of mine on your way to party? ये भी सही है. He picked up Spanish in 6 months. 6 month में उसने Spanish सीख ली, तो ये सारे सही हैं sentence. यहाँ पर आपका आंसर होगा All are correct. Pickup का मतलब है improve. एक इसका मतलब है collect. एक इसका मतलब है learn. और एक इसका मतलब है receive. ये चारों ही meaning में इसको सही तरीके से use किया गया है. क्लीन ऑफ, क्लीन ऑफ का मतलब होता है किसी डस्ट वगैरह को, धूल को, उसको साफ कर देना. ठीक है, आफ्टर डिनर आई क्लीन्ड ऑफ द टेबल, सही है. जस्ट क्लीन ऑफ द डेस्क एंड स्टैक दोज बुक्स, ये भी सही है. द सर्वेंट वॉज क्लीनिंग ऑफ द किचन, ये भी सही है. एट द हॉर्स रेसेस वी रियली क्लीन्ड ऑफ, नहीं नहीं इस तरीके से क्लीन ऑफ का यूज नहीं होता. तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इसमें यूज सही तरीके से यूज हुए हैं, इसका मतलब इसमें आपका आंसर होगा ऑल एक्सेप्ट फोर. सेकेंड इसमें सही आंसर आपका होगा. क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं. गो थ्रू, गो थ्रू का मतलब पढ़ना भी होता है. गो थ्रू का मतलब कहीं से गुजरना भी होता है. गो थ्रू का मतलब किसी सिचुएशन से गुजरना भी होता है. गो थ्रू का मतलब जंगल से गुजरना भी होता है, किसी रूम से गुजरना, उसको भी हम गो थ्रू बोलते हैं. ठीक है, गो थ्रू का मतलब एक अग्री के सेंस में भी होता है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. यू मस्ट गो थ्रू द प्रॉपर चैनल्स, गो थ्रू द प्रॉपर चैनल्स एक idiom है एक्चुअली.
सही तरीके से जाना या सही तरीके से अप्रोच करना किसी व्यक्ति को, यू मस्ट गो थ्रू द प्रॉपर चैनल्स, ये एक इडियम है, तो ये यहाँ पर सही है। द पेट्रोल प्राइसेस हैव गॉन थ्रू शार्पली, नहीं नहीं यहाँ पर आप बोल सकते हैं द पेट्रोल प्राइसेस हैव गॉन अप शार्पली, नॉट गॉन थ्रू, तो ये गलत हो गया आपका। दे सेड आई कुड गो थ्रू द एग्जाम रूम, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं एग्जाम रूम में से होकर जा सकता हूँ, ये सही है, ये सही है। यहाँ पर हम देखते हैं ही डिड प्रॉमिस बट आई डाउट ही विल गो थ्रू विद इट, मतलब उसने प्रॉमिस किया लेकिन मुझे डाउट है कि वो उसके साथ एग्री करेगा, तो ये भी सही है इसमें, मतलब सेकंड में सही नहीं है, ठीक है, सेकंड को छोड़ के बाकी सारे सही हैं, इसका मतलब इसका आंसर होगा थर्ड, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, यानी थर्ड इसका सही आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 10, अबाइड बाय, अबाइड बाय का मतलब किसी चीज़ को ओबे करना, किसी चीज़ को फॉलो करना, नियम कानून को मानना, उसको हम बोलते हैं अबाइड बाय। दे हैव गॉट टू अबाइड बाय द रूल, सही है। मिस्टर मेजर इंसिस्टेड दैट द गवर्नमेंट वुड अबाइड बाय नॉर्मल पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, नॉर्मल पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को अबाइड बाय करना, सही है। दोज अबाइडिंग बाय द स्पेंडिंग सीलिंग, स्पेंडिंग सीलिंग मतलब खर्च करने की जो लिमिट है उसको उसको मानना, उसको ऑबे करना, तो ये भी सही है। द डिसीजन हैज़ बीन मेड एंड वी मस्ट ऑल अबाइड बाय इट, ये भी सही है, इसमें आंसर होगा आपका ऑल आर करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से इस फ्रेजल वर्ब वीडियो में मैंने 10 फ्रेजल वर्ब के एग्जाम्पल आपको बताए हैं। इस तरह के क्वेश्चंस इस समय पूछे जा रहे हैं बैंकिंग एग्जाम्स में, बैंक पीओ और बैंक क्लर्क एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको एक आइडिया लगेगा इस तरह के क्वेश्चंस को करने का। और इस तरह के वीडियोस मैं और भी अपलोड करूंगा इस चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल। तो यदि आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना फीडबैक मुझे इस ईमेल आईडी पर जरूर भेजें। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में, थैंक यू।